अगले जन्म में बहुत बड़ा सिंगर स्टार बन के जन्म ले। हेलो गाइज, नमस्ते। सो गाइज, आज ना 10 दिन हो गया, हमारा नानी माँ गुजर गया। सो मतलब हिंदू कल्चर में यहाँ पर हम तो बुद्धिस्ट है, लेकिन मेरा मम्मी हिंदू है ना, इसलिए मतलब उनका सारा रिचुअल्स जो है हिंदू कल्चर में होता है। तो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से 13 दिन में अंत्येष्टि होते हैं। तो आज 10 दिन हो गया, तो अभी 3 दिन बाकी है। तो 13 दिन तक पूरा पूजा होता है घर में, तो उसके बाद उनका अंत्येष्टि मतलब वो होता है कार्य, अंत्येष्टि कार्य होता है। गाइस देखो, अभी मैं मामा जी का पूरा हेयर कट वगैरह कर रहा हूँ। आज मामा को नहलाएंगे भी, क्योंकि मौसम देखो कितना अच्छा हुआ है ना, मौसम है ना मामा। ठीक है मामा, नहाने देखो। मामा जी को पता है, मतलब उनका माँ गुजर गया, नानी माँ गुजर गया, ये तो पता है, लेकिन उनका मतलब दिल के अंदर फीलिंग नहीं है, मतलब गुजरना क्या होता है, मरना क्या होता है, मतलब माँ मर गए फिर भी उसको दिल में इतना ज़्यादा वो नहीं, फीलिंग नहीं। इसका दिमागी हालत ही ऐसा है ना मामा का, तो ऐसा है ना मामा। हजुर आमा, कहाँ जानुभयो मामा? बित्नु भयो। कहाँ जानुभयो? हस्पिटल। हस्पिटलमा? हजुर। तो गाइस अभी देखो मामा जी का मैनिक्योर पेडिक्योर हो रहा है अभी। मम्मी नहीं सक्यो गाइस, मम्मी भी नहा धोके आ गए अभी। तला जाने मम्मी? जो सिलांटी भी ना धोके रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गए। सो 10 दिन, सो गाइज आज 10 दिन हो गया, फिर 13 दिन तक पूजा होगा, उसके बाद नानी माँ का अंत्येष्टि कार्य होगा। सो आज भी नीचे मतलब पूजा वूजा हो रहा है, मतलब डेली होता है, तो हम सब लोग वहाँ पर डेली शाम को भी वहीं पर सोते हैं, डैडी जी भी वहीं पर सोते हैं, मम्मी मैं और मामा सब लोग वहाँ पर ना, नानी माँ फैमिली बहुत सारे है, तो वो लोग भी होते है, तो ऐसा होते है। तो मामा अब नौ नंबर चला लो, यहाँ चौपाल ना था खुट्टा। हाँ गुड। मामा लाउनु बुलु बुलु टाइम ल अब ल। हुन्छ। ओ गाइस देखो, हाम्रो मामा जी कितना मोटा हो गए, पुरा पेट लग गए भाइ मामा जी का। तो त्यहाँ उयो छ है, नाली छ है, लु पकडिनु, लु नाङ्नु नाङ्नु। ओए 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 गुड। मामा हजुर, बुलु बुलु टाइम भन्नु न, बुलु बुलु टाइम, बुलु बुलु टाइम। अभी देखो मामा जी का बुलु बुलु टाइम हो रहा है। और ना गाइस, जिंदगी का मतलब कोई भरोसा नहीं, लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता है ना, पता नहीं। मैंने भी सोचा नहीं था नानी माँ इतना जल्दी गुजर जाएंगे, और नानी माँ के बाद में तो मामा जी, तो मैंने तो मतलब मुझे पता था मतलब नानी माँ तो एक दिन गुजर जाएंगे, लेकिन इतना जल्दी गुजर जाएंगे ये मुझे पता नहीं था। तो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो दुखी हो गए भी क्या फायदा है ना, सैड तो दिल के अंदर से मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नानी माँ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है मतलब वीडियो बनाना, फिर नानी माँ बहुत जॉली हैपनिंग ऐसे थे ना, कभी कभी यहाँ पर आते थे और नाना जी को, मामा जी को ऐसे ही नहलाता था पहले भी है ना, नहला के भी मामा जी को नानी माँ के पास लेके जाता था, तो नानी माँ बहुत खुश होता था। तो अभी नानी माँ नहीं है, ऐसे ही गाइस हमारा भी लाइफ का कोई भरोसा नहीं, आज मतलब कल हो ना हो क्या पता है ना। तो एक तरीके से सोचता हूँ तो ठीक भी लगता है, क्योंकि नानी माँ उतना ज़्यादा बीमार भी नहीं हुआ, मतलब खुद अपने आप को भी दर्द नहीं दिया, दूसरों को भी ज़्यादा दर्द नहीं दिया, मतलब हंसते हंसते गाना गाते गाते नानी माँ चले गए। तो यही है लाइफ, आना जाना है ना जिंदगी में। एक दिन मुझे भी मरना है, सब लोगों को मरना है, आप लोगों को भी मरना है, लेकिन कैसे मरेंगे, किस हालत में मरेंगे ये किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए लाइफ में घमंड करने का कोई फायदा नहीं है ना मामा। सो गाइस अभी एक ही मामा है, नानी माँ का सारे यादें मामा जी के पास है अभी, तो मैं मामा जी को अच्छे टेक केयर करूँगा, नानी माँ को जो मैंने वादा किया है मैं पूरा करूँगा, यही है गाइस। सो चलो अभी फटाफट से ना मामा जी को नहलाते हैं, फिर नीचे जाते हैं। ठुले माँ को भी देखना पड़ेगा, नानी माँ को तीर्थ जाना था, ठुले माँ मिठाई दी। सो गाइस देखो अभी मामा जी ना धोके हो गए रेडी। मामा नमस्ते, नमस्ते, हाथ जोड़े रहो, नमस्ते। सो गाइस मामा जी अभी नहा धो के हो गए रेडी, तो मामा जी को अभी मैं नीचे घर पहुंचा दूंगा, क्योंकि अभी 13 डेज तक ना मतलब वहां पर सब लोग है, मतलब फैमिली नानी माँ के तरफ से हमारे तरफ से सब लोग वहां पर रहते हैं ना, तो 13 दिन तक मतलब मामा जी भी वहीं पर रह रहा है, और आफ्टर दैट नानी माँ का घर में कोई नहीं होगा, क्योंकि मामा जी अकेला है, तो मामा जी अकेला अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए उसके लिए मतलब बाद में आप लोगों को अपडेट करूँगा। गाइस अभी चलो मामा जी को नीचे पहुँचाते घर में, जो मामा ला मामा जी आज देखो पूरा ब्रांडेड ब्रांडेड हो गया, गुची गुची पहना है, लेकिन ये ओरिजिनल वाला गुची नहीं है, डुप्लीकेट वाला गुची है।
फिर भी गाइस मम्मी जी, मम्मी जी मामा कैसा लग रहा है? देखो मामा जी तो हमसे भी हैंडसम हो गया और मामा जी ने एक किक मार के ये बॉल गिरा दिया नीचे। सो गाइस देखो अभी हमारे है ना विलेज में ऐसे बनाते हैं मतलब पूजा करने के लिए इसको क्या दूना टपरी क्या बोलते हैं ना, तो ये काइंड ऑफ ऑर्गेनिक प्लेट है ना, तो इसमें पूजा करके क्या क्या चढ़ाना चुड़ाना होता है यही करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ये बनाना लीफ और क्या क्या लीफ यूज़ करके बनाते हैं। और यहाँ का नज़ारा ऐसा है और सब आंटी लोग यहाँ पर बना रहे हैं। देखो कतिवटा बनाउनु पर्छ अरे तपाईले? 365 एक वर्षको लागि 365 भनेपछि यो त 365 भइसक्यो होला यो 365 ल झरे एउटा एक दुईवटा ज्यादा बनाइदिनु न हराउला फेरि कडा छ नियम है मुनिबाट लाउनु पर्छ मुनिबाट के बनाएको छ? आलु आलु फ्राई भात धर्म में ना बहुत सारे रिचुअल्स होता है, बहुत सारे मतलब फॉर्मेलिटी मतलब बहुत सारे चीज़ें होते हैं करना होता है। तो 13 डेज तक ना मतलब घर के फैमिली को स्पेशली जो बेटा बेटी है और नानी माँ का तो एक ही बेटा दो बेटी है, दो बेटी मम्मी और जोशी लांटी और एक बेटा हमारे लेखनाथ मामा जी, तो वो तो अभी ब्लाइंड है और उनका दिमाग की हालत भी ठीक नहीं है। तो इसलिए अभी जो जितने भी कार्यक्रम है जितने भी वो ना नानी माँ के लिए जितने भी पूजा वूजा करना है वो हमारे दूसरे मामा जी कर रहे हैं, जो भी वो होता है ना रिचुअल्स वगैरह होते हैं जो मामा जी कर रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा हूँ। तो अभी पंडित जी ने बताया कि तीतापाती का वो चाहिए पत्ता चाहिए, तो मैं वही ढूंढने के लिए जा रहा हूँ अभी। हजुर ये तीतापाती अलग चाहिए अरे बा, तीतापाती अलग चाहिए अरे, हुन्छ तिता कहाँबाट ल्याउनु भयो पाती? तीतापाती कहाँबाट ल्याउनु भयो? हजुर माइजू कता छ खै? सो गाइज ये है तितापाती, सो ये चाहिए अभी पूजा करने के लिए। और हमारे नरबी नासिंग ने केला का पत्ता लेके आया, कहाँ से लेके आया केला का पत्ता? जंगल से? जंगल से कोठीबारी है ना। ओ ठीक है, छोरी छोरी छोरी, हेलो किटी, हेलो गुड मर्निङ। यति लो हुन्छ तितापाती? श्री साक 1946 साक्षी विक्रमादित्य सम्बत, विक्रमादित्य सम्बत 2081 67 कालयुक्त नाम Bye.
हेलो गाइस, सो आज नेक्स्ट डे है, सो आज 11 दिन हो गया है। सो कल मम्मी ने दही जमाया था सुबह सुबह, तो दही कैसा हो मम्मी? देखो तो दही कैसा है। ये चाहिए आप बेलका लाओ। ये दूध है, दूध उमाल के रख दिया। सो ये दही जमाया है कल परसों के लिए, बटोरा को लागि। हां बटोरा के बनाया। ये चाहिए दही दिनु पर्छ। हां दही भएको हो, ये भी दही जमाउनु पर्छ नि। ए यो सिल लिनु पर्यो नि त, तातैमा हाल्नु हुँदैन। हुन्छ हुन्छ। अभी वहाँ पर धारा में जाके आऊँगा, तो जहाँ पर पूजा वूजा करते हैं ना, तो गांव में एक जगह होता है जहाँ पर पानी वानी सुबह से चढ़ाते हैं, पानी घर में लेके जाते हैं। पहले पहले ज़माने में ऐसा था, अभी तो घर हर घर में पानी आता है ना पाइप से, तो पहले पहले धारा में पानी मतलब लेके जाना पड़ता था गागरे में, है ना, जो बर्तन होता है ना बड़ा वाला ऐसा वाला, उसमें पानी लेके आते थे। आजकल तो ज़्यादा वो नहीं करते, फिर भी धारा में वो एकदम शुद्ध जगह, पवित्र जगह होता है, तो वहीं पर सब कुछ पूजा वगैरह होता है। तो चलो वहाँ पर अभी जाके क्या क्या चाहिए सामान वगैरह, मैं बाहर का सब कुछ देखता हूँ, मतलब क्योंकि मैं अंदर मतलब पूजा में इन्वॉल्व नहीं होता है ना। तो जो हमारे मामा जी है वहाँ पर नानी माँ के भतीजा, तो वो सारा उनका मतलब वो सारे वो कर रहे हैं पूजा का सारा काम वो कर रहे हैं अंदर में। परसों के लिए बुफे के लिए यहाँ पर हॉल में रेडी हो रहा है। ये भाड़ा बर्तन भी आ गया है सर। सो गाइस यहाँ पर पूरा बुफे लगेगा खाना वाना के लिए, और आज मौसम भी अच्छा है, बारिश नहीं हो रहा है, फिर भी बारिश हो भी सकता है इसलिए ये लगा लिया दादी जी ने। और इसके नीचे एक किचन जहाँ पर खाना वाना बनेगा। जोशीला नाम निदेवन सबन्त सुनील नाम सपरिवार आदि संताय अस्मत जन्म हेतु हर्कमाय नाम निदेवन सुख शांति ब्राह्मण दर्शनचन्द्र दैवताकम् तन्मूल्य कल्पयताम् अमुक अमुक गोत्र अमुक अमुक नाम ब्राह्मणाय तुभ्य मम संप्रदाये तत्सन्नम्। कान्छीले चाहिँ के गरेको? कान्छीले चाहिँ के गरेको? हो म यो बनाउँदा मै थिएँ, मम्मीले बनाएको, मम्मी नै भाउजू होला। तैँले बनाएको अरे? मैले
बेंगलोर पनि ल्याएको छ अहिले बनाउने हेलो गाइज नमस्ते। सो गाइज आज 16-17 डेज हो गया नानीमा गुजर गया और गाइज नानीमा का जो अंत्येष्टि कार्य था जो अंत्येष्टि पूजा था वो भी बहुत ही अच्छा हुआ एंड मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया, सब कुछ सही रहा और बहुत ही अच्छे से हो गया सब कुछ, पूजा भी बहुत ही अच्छा हुआ। और ना गाइज नानीमा गुजरने के बाद मतलब मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आया है, बहुत सारे थिंकिंग आया है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, साथ दिया, नानीमा के लिए प्रेयर किया। और चलो गाइज आज तक अभी सो गाइज अभी तक आप लोगों ने नानीमा को ढेर सारा प्यार दिया, उनके गानों को पसंद किया, उनके बातों को पसंद किया। सो गाइज मैं प्रे करता हूँ कि हमारे जो नानीमा है अगले जन्म में बहुत बड़ा सिंगर, बहुत बड़ा स्टार बन के जन्म ले इस धरती पर। तो गाइज ये मेरा प्रेयर है नानीमा के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि नानीमा के आत्मा को शांति मिले, सो वो जहाँ भी हो खुश रहे, है ना। और गाइज मामा जी के बारे में मैं बताऊँगा, आप लोग को अपडेट करूँगा कि मामा जी क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहे, कैसे रह रहा है। सो गाइज मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को अपडेट करूँगा। अभी देखो यहाँ का मौसम भी बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुहाना है। अभी अभी हल्का सा बारिश होके रुका है और मेरा एक कपड़ा तो वहाँ पर उड़ा के फेंक दिया हवा ने, देखो यहाँ पर सुखाया था मैंने, तो ऐसा है। तो चलो गाइज लाइफ मस्ट गो ऑन, यू नो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो गाइज अपना जो काम है व्लॉगिंग वो मैं कंटिन्यू करूँगा। सो गाइज दो तीन दिन अब मैं गैप करूँगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू व्लॉग करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज।